क्या हुआ? किसी ने देख लिया? हाँ गुरुजी देख लिया। किसने? परछाई ने देख लिया। अब मेरे किसी के मन साथ सब तो चल रही है। तो भगवान ने कैसे शिष्य दे दी? हमारा कहने का तात्पर्य है किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अर्थात हमारे अलावा किसी और व्यक्ति को। अब चलो चले, झुको झुको झुको। अम्मा ने देख लिया तो लट से ऐसा मारेगी कि आज ही हमारे प्राण निकल जाएंगे। चुपते भागो भागो वापिस चलो। नहीं रुको नहीं रुको चुपते नहीं रुको कहाँ जा। पंडित रामकृष्ण क्या षड्यंत्र रच रहा होगा, और यदि अम्मा ने देख लिया तो। गुरुजी गुरुजी मेरे पास एक उपाय है। क्या? ये अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाते, कोई दिखेगा ही नहीं। वाह ऊपर है ऊपर। चुप, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो। भोजन सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट था, मैं तो तृप्त हो गया। मेरी मातृभाषा, चलिए नहीं बताऊंगा। उठा लो थाली, स्वयं को उठा लो। चलिए हाथ धुला देते। नहीं नहीं तनिक सहारा तो देना। अब इतना भरपेट खा लिया है कि चलने को मन ही नहीं करता। हम यही खिड़की से धो लेंगे। आपके लिए पान भिजवाते हैं। उत्तम, अति उत्तम, मतलब पान उत्तम भेजिएगा। शांत पकड़े जाएंगे। शांत हम पर पानी डाल दिया। ये लीजिए। हे भगवान, किसी भी तरह रामा गुप्त जी की मातृभाषा का पता लगा ले। भोजन की तरह ही पान भी अत्यंत स्वादिष्ट है, विशेष आपके लिए मंगवाया है बनारस से। लीजिए पान। वैसे आपके यहाँ के पान कैसे होते हैं? भगवान, हमारे यहाँ के पान कैसे होने चाहिए वैसे होते हैं। मेरी मातृभाषा जानने का प्रयास कर रहे हैं ना आप? ये क्या, इतनी जल्दी खा लिया? मैं पान ऐसे ही खाता हूँ, लेकिन मेरी पान खाने की क्रिया से भी आपको मेरी मातृभाषा का पता नहीं चलेगा। पानी मिलेगा? पानी हाँ, जब पानी लिया। देखा रामा, ये कैसे तेरा उपहास उड़ा रहा है। इसका उपाय सोच रामा, फिर सोचने का समय नहीं मिलेगा, सब हाथ से निकल जाएगा। आप तो अत्यंत विद्वान हैं, कविताएं भी बहुत सारी पढ़ी होंगी। आपके सबसे प्रिय कवि कौन है?
कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः शापनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु मेघदूतम कालिदास। कालिदास ये तो कुछ जानने ही नहीं दे रहा। कालिदास संस्कृत के कवि हैं जिन्हें सारा भारत पढ़ता है। सच कहूं मुझे आप में और गुरुवर में कोई अंतर दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। आप इतने बुद्धिमान होकर गुरुवर की तरह अल्प बुद्धि वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, ना ना असफल प्रयास कर रहे हैं। अरे जल जल्दी से लाया जाए, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आ गया आ गया। देर करती। माशी 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 क्या लोटे में मौसी? अच्छा मक्खी। देखता हूँ डब्बे मक्खी को मौसी। मातृभाषा मक्खी। मातृभाषा मराठी में मक्खी को मासी कहते हैं। मैं तो आपका भाषा ज्ञान बढ़ा रहा था। दूसरा ले आओ। भगवान अरे जब बुरा समय आता है तो ससों पिता होते आता है। गुरु जी उस कष्ट के बारे में सोचिए जो मृत्यु दंड के समय होगा। ये लीजिए साफ जल। अब ठीक है। बच गए। लगता है उसको हम पुर्दे आ गए। रामकृष्ण जी क्षमा कीजिएगा, मगर मेरी मातृभाषा का पता आपको आपके हारने के बाद ही पता चलेगा। वैसे मेरी मातृभाषा के बारे में मैंने आज तक किसी हारने वाले को नहीं बताया, लेकिन आपको बता दूंगा। आपका नमक जो खाया है। चलिए अब मैं विश्राम करना चाहूंगा। वैसे मेरा सेवक अभी आएगा शांताराम, उसे मेरे कक्ष में भेज देना, जरा पैर में दबा देगा। जी जी अवश्य अवश्य आइए आइए। चलिए तुम क्या कर रही हो? मायके जाने की तैयारी कर रहे। पहले कुछ दिनों के लिए जा रहे थे, अब सदा के लिए जा रहे हैं। ऐसा ना कहो शारदा, अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए। हाँ, देख लिया आपका प्रयास, कुछ नहीं निकलवा पाए गोप जी के मुंह से। उठा लो। क्या? अपने भी कपड़े उठा लो, उठाकर हमें दे दो, हम वो भी बांध लेते हैं। मेरे कपड़े घर ही नहीं रहेगा तो रहेंगे कहाँ? अरे लेकिन लोग यही कहेंगे कि रामा घर जमाई बन गया, और कोई उपाय है आपके पास? अरे तुम सोचने दोगी तो उपाय आएगा ना, सोचने तो दो। हर समस्या का समाधान होता है। हाँ, सोचिए सोचिए, अब जीवन भर सोचना ही तो है। पता नहीं क्या सोच कर ये चुनौती स्वीकार करनी है। मुझे नहीं लगता तू कोई समाधान निकाल पाएगा रामा। गुप्त की मातृभाषा जान पाना असंभव है। चुप कर, मेरा रक्तचाप मत बढ़ा। मैं तो कहता हूँ तेरे दिमाग से अधिक प्रभावशाली तो अम्मा का डंडा है। एक मौका अम्मा को दे दे। गुरुवर के थप्पड़ ने तो काम नहीं किया, पर अम्मा के लट से तो गूंगे भी बोल पड़ते। फिर ये गुप्त किस खेत की मूली है?
हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमारे गुरुजी का क्या धरा है? हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए। ये हमें? अरे ये क्या, ये तो हमारे गुरुजी की तरह बोल रहे हैं। तो और किसकी तरह बोले? अरे धनी, लगता है गुरुजी भागते भागते शरीर छोड़ गए और इनकी आत्मा को आभास भी नहीं हो रहा। गुरुजी आप भूत बन गए। अरे मूर्ख, हम जीवित हैं। आप जीवित नहीं है, आप सफेद है, सफेद आत्मा। अम्मा, क्या 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 हुआ अम्मा? अम्मा कह रही है घर में चोर घुस आया है, है? उसे ढूंढनी है। हाँ। आ गए शांताराम। शांताराम, आज शांताराम इस समय क्यों नष्ट कर रहा है? बहुत थक गया हूँ, जरा पीर खुजला दे। हम पीर खुजलाएंगे ना। अरे क्या हुआ भाई, खुजलाना पीर, थोड़ा दबा भी दे भाई, चल। अरे रुक क्यों गए शांताराम? नहीं कहेंगे गुरुजी, कुछ आते रहिए। गुरुवर है जिन्हें सब चोर समझ रहे हैं, और गुरुवर को खुद को छिपाने के लिए गुप्त जी की पीठ खुजानी पड़ रही है। लेकिन गुरुवर यहाँ आए क्यों हैं? वो भी चोरों की तरह? समझ गया, इन्हें ये लग रहा होगा कि मैं गुप्त जी से मिलकर इनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा हूं। चोर मिले? नहीं मिले, चोर नहीं मिले। शारदा, अम्मा को बोलो कि चोरों को ढूंढना बंद करें और सो जाएं। मुझे सुबह दरबार जाना है। ऐसे गुप्त जी से समझौता हो गया है, मैं उनसे दरबार में हार जाऊंगा। इसमें समझौते की क्या आवश्यकता है, आप तो वैसे भी हारने वाले। नहीं नहीं शारदा, समझौता इस बात पर हुआ है कि गुप्त जी बाद में मेरा सारा धन चुपके से मुझे लौटा देंगे और गुरुवर का धन ले जाएंगे, और बाद में मैं और गुप्त जी गुरुवर का धन आधा आधा बांट लेंगे। वैसे भी गुरुवर को तो मृत्यु दंड मिलना तय है, अब मृत्यु के पश्चात इतनी सारी संपत्ति उनके किस काम की। चलो चलो सोते हैं, चलो। देखा गुरुजी, हमारा कहा सही निकला। आप हैं कि हम पे विश्वास ही नहीं करते। खुजाई पंडित रामा कृष्णा, तुम्हारे षड्यंत्र का भेद कल फूटेगा महाराज के सामने दरबार में। पंडित रामकृष्णा जी महाराज, गुप्त जी के प्रश्न का उत्तर ढूंढा आपने? जी महाराज, गुप्त जी का प्रश्न था कि इनकी मातृभाषा क्या है। गुप्त जी सचमुच बहुत बड़े विद्वान है महाराज, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता है। ये मलयालम बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, मलयालम अर्थात सुसंस्कारी भाषा, किंतु मलयालम इनकी मातृभाषा नहीं है। गुप्त जी पंजाबी भी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं, पंजाबी यानी कि दिल से बोली जाने वाली सीधी सरल भाषा, किंतु पंजाबी भी इनकी मातृभाषा नहीं है महाराज। गुप्त जी तमिल भी बहुत अच्छी तरह से बोल लेते हैं, तमिल अर्थात मीठी भाषा, किंतु तमिल भी इनकी मातृभाषा नहीं है। महाराज सच पूछिए तो इनकी मातृभाषा के बारे में बता पाना इतना सरल नहीं है। गुरुवर ने इनकी मातृभाषा जानने के लिए ही इन्हें थप्पड़ भी मारा, क्योंकि जब मनुष्य को पीड़ा होती है तो उसके मुंह से सर्वप्रथम उसकी मातृभाषा ही निकलती है। किंतु गुप्त जी सचेत थे, दो दो थप्पड़ खाकर भी गुप्त जी दरबार में चुप रहे और बेचारे गुरुवर दोषी ठहरा दिए गए। पंडित रामकृष्णा, हम जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया।
जी महाराज, इन्हें अपने घर ले जाकर मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कदाचित हार जाऊंगा। इसी उधेड़बुन में था कि अम्मा ने घर में चोरों को देख लिया। अम्मा के कहने पर हम चोरों को ढूंढने लगे। चोर तो पकड़ में नहीं आए महाराज, किंतु गुप्त जी की गुप्त मातृभाषा का समाधान हमें मिल गया। समाधान? कैसा समाधान? और चोर कब आए थे? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। कैसे चलता गुप्त जी, आप गहरी निद्रा में जो थे, और चोरों को ढूंढते समय जब मैंने आपको गहरी निद्रा में देखा तो मैं समझ गया कि यदि इस अवस्था में आपको पीड़ा हुई तो आपके मुंह से आपकी गुप्त मातृभाषा ही निकलेगी, क्योंकि दिन में तो आप सचेत थे किंतु नींद में नहीं। और वैसा ही हुआ महाराज। घबराइए मत गुप्त जी, मैं हूँ रामा। वो दीपक का गरम तेल आपके हाथ पर गिर गया, चिंता मत कीजिए। हाँ, वो क्या हुआ कि घर में चोर घुस आए हैं, तो मैं देखने आया था कि आप सकुशल हैं या नहीं। गलती से दीपक गिर गया, मैं अभी दूसरा दीपक भिजवाता हूँ। हाँ, आप सो जाइए। आपकी मातृभाषा तो वही है गुप्त जी जो हमारी है, तेलुगु। यहीं के तो हैं आप। कल रात आपके हाथ पर जब गरम तेल गिरा तब आपने तेलुगु में अम्मा चचानर बाबू मंटा मंटा यही कहा था ना महाराज। मैंने गुप्त जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया है, इसलिए अब गुरुवर की सारी धन संपत्ति उन्हीं के पास रहेगी और उन्हें मृत्यु दंड भी नहीं दिया जाएगा। महाराज, महाराज, षड्यंत्र चल रहा है। पंडित रामकृष्ण ने अपने घर पर षड्यंत्र रचा है महाराज। शांत शांत हो जाइए। हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं। कल रात्रि पंडित रामकृष्ण के घर पर जो भी घटित हुआ उस विषय में ना। जी महाराज जी, पंडित रामकृष्ण ने गुप्त जी से गुप्त रूप में समझौता कर लिया है कि दरबार में गुप्त जी से गुप्त रूप में हार जाएंगे ताकि हमें प्राण दंड मिल जाए। उसके पश्चात गुप्त जी गुप्त रूप से पंडित रामकृष्ण का धन वापस लौटा देंगे और हमसे मिला धन आपस में गुप्त रूप से बांट लेंगे। हमारे प्राण दंड कोई हास्य की बात है क्या महाराज? नहीं गुरुवर, कदापि नहीं। हम तो ये सोच रहे हैं कि आप क्या क्या सोच लेते हैं। पंडित रामकृष्ण ने गुप्त जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया है, और वो भी गुप्त रूप से नहीं, इस भरे दरबार में सभी के समक्ष दिया है। मातृभाषा गुप्त जी की भाषा तेलुगु है। क्या? जी हाँ गुरुवर, और पंडित रामकृष्ण ने इनके प्रश्न का उत्तर देकर ना केवल आपके प्राण बचाए हैं अपितु आपका धन भी बचा लिया है गुरुवर। परंतु ये जो कुछ भी हुआ उसमें उस चोर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंडित रामकृष्णा, कुछ पता चला कि वो चोर कौन था जो आपके घर में घुस आया था? क्यों गुरुवर, महाराज को बता दूं कि मेरे घर पर चोरी करने कौन आया था? ना, 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 ना। वैसे भी हम चोरी करने नहीं आए थे, हम तो षड्यंत्र का पता लगाने आए थे। पता है, और कल रात आपने जो कुछ भी सुना वो आपको परेशान करने के लिए मेरी तरफ से भी छोटा सा षड्यंत्र था बस। है? क्या हुआ पंडित रामकृष्ण? कुछ नहीं महाराज, वो याद नहीं आ रहा उन चोरों के बारे में। रहने देते ना महाराज, ये जो जीत मिली है उन चोरों के कारण ही तो मिली है, क्यों गुरुवर? हाँ, हाँ। और मुझे भी क्षमा मांगनी है आपसे पंडित रामकृष्ण, मैंने घमंड में आपका और गुरुवर का कितना अपमान कर दिया। मैं स्वयं को चतुर समझता था, लेकिन सबसे बड़ा चतुर प्रस्तुत समाधानम हाजिर जवाब भी तो संसार में एक ही है, विजयनगर के पंडित रामकृष्ण। सत्य कह रहे हैं आप गुप्त जी। जब भी हमारे राज्य पर कोई भी विपदा आन पड़ी है तो पंडित रामकृष्ण ने अपनी बुद्धिमता एवं अपने चातुर्य का प्रदर्शन किया, विजयनगर राज्य की गरिमा एवं उसके सम्मान की सदैव रक्षा की है। महाराज,
मेरे लिए आपके और विजयनगर के सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। महाराज, अब चुनौती के अनुसार मेरा सारा धन पंडित रामकृष्ण का होता है। नहीं नहीं गुप्त जी, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है, उसे आप ही रखिए। हाँ, हो सके तो उस धन से एक विद्यालय खोल लीजिए। विद्यालय? जी, बहुभाषा विद्यालय। आप तो बहुभाषाओं के ज्ञाता हैं, अपनी विद्वता को ऐसी चुनौतियों में क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? चुनौती से तो आप केवल धन कमाएंगे, किंतु विद्यालय खोलकर विद्या का दान देंगे तो अपने जैसे ही सैकड़ों शिष्य कमाएंगे। उत्तम उत्तम, उचित सुझाव दिया है पंडित रामकृष्ण आपने। महोदय, हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हैं। आप विजयनगर राज्य में बहुभाषा विद्यालय की स्थापना कीजिए। जी, भारत विभिन्नताओं में एकता का राष्ट्र है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे राज्य की प्रजा भी भारत की सभी भाषाएं बोल पाए। इस विद्यालय के हेतु हम अपने राज्य की ओर से आपको भूमि भेंट करना चाहेंगे। मंत्रीवर। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, मैं आपका और पंडित रामकृष्ण का ऋणी हूं। मैं अवश्य विद्यालय स्थापित कर दूसरे लोगों को भारत की विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दूंगा। अद्भुत। महाराज श्री कृष्णदेवराय की जय। महाराज श्री कृष्णदेवराय की जय। आज जय जयकार हमारी नहीं, पंडित रामकृष्ण की होगी। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामकृष्ण की जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।